11 जून को होने वाला राज्यसभा चुनाव काफी रोचक हो गया है। 7 राज्यों में 3 सीटों से अधिक उम्मीदवार होने की वजह से मतदान होगा। इसमें कांग्रेस, बीजेपी और उनके समर्थित उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसमें कपिल सिब्बल, सुभाष चंद्रा, आर के धवन, विवेक तनखा, विवेक गोटिया, प्रदीप टमटा, अनिल गोयल, महेश पोद्दार, बसंत सोनरेन, कमल मुरार का नाम शामिल है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को तो एक ही सीट आने वाला है और कांग्रेस को 2 सीट, और हमारा सरप्लेस 35 वोट्स है और इंडिपेंडेंट सब हमको सपोर्ट किया है, तो तीसरा स्थान पे भी हमारा दावा है। भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोला है उधर, खरीद फरोश हो रहा है क्योंकि ये ऑपरेशन कमला के तहत ये खरीद फरोश, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट लीग यही लोग किया है, तो MLAs को खरीदने का, विजय मल्ल्या को कौन सा इस पे लोग पार्लियामेंट ले आया वो देख लीजिए तब मालूम होगा। तो विजय मल्ल्या को ले आने वाले पार्लियामेंट के लिए आज कर्नाटक के बारे में बोल रहे हैं। इतना कर्नाटक में बोलने के बावजूद झारखंड में इन लोगों को दूसरा स्थान के लिए इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, मगर जो जेल में था उसके पास जाके प्रपोजल लेके आके भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। ये डबल स्टैंडर्ड है भारतीय जनता पार्टी का।